बच्चों की जिद कंट्रोल करने के तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उम्मे अहमद। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। बच्चे जिद करें तो इनको कंट्रोल करने के ये 7 तरीके आप लाजमी अपनाएं। इंशाल्लाह इन पे अमल करके आपकी बच्चों को लेकर जितनी भी परेशानियां हैं इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। बच्चे जिद करें तो इनको कंट्रोल करने के ये 7 तरीके अपनाएं। ये 7 तरीके जो हैं माहिरीन ने बहुत सोच समझकर बनाए हैं। इंशाल्लाह इन पर अमल करके आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बच्चे जिद करें और माँ बाप ना देखें, ऐसा नहीं होता। बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की जिद को पूरा करते होंगे और इनकी बात भी मानते होंगे। वालदैन की समझदारी इसी में है कि जब आपका बच्चा गुस्से की हालत में हो तो इसे प्यार से समझाएं, ना कि इस पर गुस्सा करें। हम अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे जिद करते हैं तो हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो यही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चे जिद करें तो वालदैन को क्या करना चाहिए? बहुत से वालदैन ऐसे हैं जिनके बच्चे जिद्दी होते हैं, बजाय इन पर गुस्सा करने के माँ बाप को बेहतर तरीके से समझकर चलना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का भी नुकसान ना हो और आपका भी बिल्कुल नुकसान ना हो। इनमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पुरसुकून रहना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जारहाना रवैये का इजहार कर रहा हो तो आप पुरसुकून रहे। आप अपने बच्चे पर गुस्सा ना हो या चिल्लाए ना, ऐसा करने से बच्चे की जारियत यानी कि लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ने की ये हरकत बढ़ सकती है। आप इस हालत में पुरसुकून रहें और इस पर कंट्रोल करने का कोई नमूना बनाएं। नंबर 2, हंगामा आराई। अगर आपका बच्चे जिद में आकर कोई हंगामा आराई करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा किसी दुकान पर आपसे कोई भी चीज लेने की फरमाइश करता है या जिद करता है, तो इसको वो चीज ना खरीद कर दे। ऐसा करने से आपका बच्चा हमेशा आपके साथ यही रवैया अपना सकता है। नंबर 3, अपने बच्चे को इनाम दें। आप अपने बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए इन्हें इनाम दें। अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप इसे तोहफा के तौर पर कुछ दें। इससे आपके बच्चे में खुद एतमादी आती है और आपके बच्चे में आपसे ज्यादा लगाव होता है। आप अपने बच्चे के किसी अच्छे काम में इसकी तारीफ करें। इसके बाद आ जाता है भरपूर नींद। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है। अगर इनकी नींद ना पूरी हो रही हो तो आपके बच्चे जिद कर सकते हैं या गुस्सा दिखा सकते हैं, इसलिए इनको नींद की को पूरी करने में इनकी मदद करें। अगर आपका बच्चा 5 साल की उम्र में है तो बहुत सी सरगर्मियां रोनमा होती हैं, जैसे स्कूल जाना वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे है गले लगाना। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए होती है। अगर आपका बच्चा भी इनमें से है तो आपको जिस्मानी राब्ते की भी जरूरत होगी। आप अपने बच्चे को गले लगाएं, इनके साथ बैठकर इनकी बात करें और मिलकर किताबें पढ़ें या कोई और ऐसा काम करें जो आप अपने बच्चों को मिलकर कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, घर में सब्जियां उगाना, फूल वगैरह तोड़ना वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाते हैं जिद की वजह को पहचाने। अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं तो इसकी जारियत या गुस्से को पहचाने। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज्यादातर अमकान ये होता है कि बच्चे अपने वालदैन के आगे अपनी परेशानी या उलझन बताने से कासिर है। इस हालत में वो ज्यादातर गुस्सा दिखाने या धक्का मारने की हालत दे रखते हैं। इन पर गुस्सा करने के बजाय इनके गुस्से की वजह को जाने और इनसे बात करें। बच्चे जिद करें तो इनसे प्यार से बात करें, इनसे पूछे कि क्या वजह है। प्यार प्यार में ही इनसे इनके दिल की बात निकलवा लें। अब एंड पे आ जाता है असूल बनाएं। अपने बच्चों की जिद और गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए कुछ असूल बनाएं, ताकि स्कूल या घर में जारियत की कोई काबिले कबूल शक्ल नहीं है। इसके अलावा वालदैन को असातिज़ा से भी मदद लेने की जरूरत है, ताकि आप बेहतर तरीके से इनकी मदद कर सकें। इसके अलावा अपने बच्चों की हरकत पर भी नजर रखें। बहुत से वालदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं, लेकिन बाज कोशिशों के बावजूद भी आपके बच्चे का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा, तो आपको डॉक्टर से भी राय लेने की जरूरत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे चैनल उम्मे अहमद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर लाजमी कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।